हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हो गया था और उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स और कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने बुक से निकाल के आप लोग को बताया था, वो भी हो गया था। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड चैप्टर है आप लोग का पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस चैप्टर में आप लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे। ऐसे मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे जब बुक नहीं था उस समय, तो उस समय मैंने आप लोगों को सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया था। तो बुक से भी देख लेते हैं बुक में भी क्या क्या दिया हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो सारे सेम ही होते हैं, तो मैंने जो पिछले वीडियोज़ में पढ़ाए होंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें भी आप लोगों को वही पढ़ना होगा। ठीक है, तो डियर टीचर, डज अ कंप्यूटर हैव डिफरेंट पार्ट्स? ये बच्चा लोग अपनी मिस से पूछ रहा है, मिस क्या कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं? तो मिस बोलती है, एस स्टूडेंट, हाँ बच्चों, ए कंप्यूटर हैज़ डिफरेंट पार्ट्स एंड वी विल लर्न अबाउट देम विद देयर यूजेज एंड फीचर। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये उसका यूजेस क्या है और उसका फीचर्स क्या है। ठीक है, तो एज ऑल द मशीन्स हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अब सब मशीन के पास बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसीलिए कंप्यूटर के पास भी बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं। डियर चिल्ड्रेन, अ कंप्यूटर सिस्टम इज शोन हेयर विथ इट्स बेसिक पार्ट लाइक CPU, बॉक्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस है ना, स्पीकर। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया, उसमें जो सिर्फ इसका बेसिक पार्ट है वो दिखाया गया। तो बेसिक पार्ट 5 यहाँ पे दिखाए गए, मॉनिटर, CPU, बॉक्स, स्पीकर, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, लेट अस लर्न सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। अब देखो यहाँ बोल रहा है, अब हम इन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सारा पार्ट्स कंप्यूटर के सब मिल के साथ में वर्क करता है, तभी एक टास्क हो पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट है मॉनिटर। तो मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मॉनिटर जो है वो टेलीविज़न की तरह, टीवी की तरह दिखता है। इट शोज अस द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। ये हम लोगों को कंप्यूटर में जो भी वर्क हो रहा होता है वो हम लोग को देखने में मदद करता है। ठीक है, वो हम लोग को दिखाता है। ठीक है, तो मॉनिटर का क्या काम है, जैसे हम लोग कुछ टीवी पे देखते हैं उसी तरीके से मॉनिटर पे हम लोग सारा कुछ देख सकते हैं। वी कैन वॉच मूवी एंड कार्टून लाइक डोरेमोन, लिटिल कृष्णा, ETC ऑनिट, और हम इस पे कोई भी मूवीज़, कार्टून कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी वीडियो, पिक्चर कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इट इज़ लाइक अ टाइपराइटर। ये जो है एक टाइपराइटर की मशीन की तरह होता है। टाइपराइटर की मशीन क्यों इसे कहा जाता है कि वो उस तरीके से दिखता है, क्योंकि टाइपराइटर में भी बहुत सारे अलग अलग इसी तरीके से कीज होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। इसमें जो छोटे छोटे आप लोगों को बटन दिख रहे हैं उसे कीज बोले जाते हैं। ठीक है, कीज में बटन भी होते हैं और कीज में चाबी होते हैं। की में चाबी होती है तो आप लोगों को पता है, पर कंप्यूटर में कीज में छोटे छोटे बटन जो है उसे हम लोग कीज बोलते हैं। ठीक है, फिर इट हेल्प अस टू टाइप वर्ड एंड नंबर बाय प्रेसिंग द कीज। ठीक है, अब हम इसके मदद से, ये हम लोग को अपनी मदद करता है कोई भी नंबर, कोई भी ABCD 1 2 3 4 कुछ भी टाइप करने में। ठीक है, कोई भी एक ऐसे दबाएंगे तो वो कंप्यूटर पे लिखाएगा। ठीक है, प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। अब कोई भी कीज को हम लोग दबा दबा कर कुछ लिखते हैं कंप्यूटर पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, कीज को दबा दबा के लिखते हैं कीबोर्ड से तो कंप्यूटर पे, तो उसे हम लोग टाइपिंग बोलते हैं। डू यू नो देयर आर मोर देन 100 कीज ऑन अ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में 100 से ज़्यादा कीज होते हैं और 104 एग्जैक्ट होते हैं। ठीक है, तो 104 कीज होते हैं। ठीक है, अब है माउस।
माउस। ए माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि चूहा की तरह लगता है देखने में, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग एंड चूजिंग पिक्चर्स एंड आइकन्स। ये हम लोगों को कोई भी चीज़ पॉइंट करने में, सिलेक्ट करने में, चूज करने में कहता है। प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। अब क्लिकिंग किसको बोलते हैं, ये जो माउस का बटन आप लोग को दिख रहे हैं दोगों, इसे क्लिक करेंगे तो उसे हम लोग ये क्लिकिंग बोलते हैं, ठीक है। और बीच में ये जो रहता है वो स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। व्हेन वी मूव द माउस विथ आवर हैंड, अ पॉइंटर एरो की तरह एक पॉइंटर ऑन द स्क्रीन कॉल्ड मूव इन द सेम डायरेक्शन, ऑल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन, यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स यूजिंग अ माउस। अब जब भी हम लोग अपने हाथ से माउस को हिलाते हैं, ठीक है, मूव करते एक जगह, तो एक एरो जो स्क्रीन पे होता है वो भी इधर से उधर होता है। अगर हम लोग माउस को इधर करेंगे तो वो एरो भी इधर होगा, और माउस को इधर करेंगे तो एरो भी इधर होगा, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स यूजिंग अ माउस, हम लोग कोई भी गेम्स ये खेल सकते हैं माउस को यूज करने से, ठीक है। अब CPU स्पीकर ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।